हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर रागा सिस्टर चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये रहेगा मेरठ से रिलेटेड, बिकॉज मैं आ चुकी हूँ मेरठ में। तो मेरठ की जो फील है वो बहुत ज़्यादा अलग रहती है, बिकॉज यहाँ पे मेरा मैक्सिमम चाइल्डहुड यहाँ पे स्पेंड हुआ है। तो बस मैंने सोचा चलो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा ये वाली क्लिप भी मैं डाल देती हूँ। तो ये मैं जब आई थी तो घर में ऐसे स्वागत करते हैं, मतलब शादी के बाद जब भी घर में आते हैं तो ऐसे आरती करी जाती है और मीठा खिलाया जाता है, उसके बाद ही एंटर करने देते हैं। उसके बाद मम्मी मिल गई थी, भाभी से भी मैं गले मिल रही थी, भैया से भी मिली थी, तो सबसे मिल के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा ये भी एक प्यारी सी मेमोरी मैं इस व्लॉग में डाल देती हूँ। तो अब चलते हैं थोड़ा सा अंदर, तो मैं अंदर का भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे घर है मेरा। तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये है कोचिंग सेंटर, जहाँ पे भैया यहाँ पर करते हैं अपना यूट्यूब की रिकॉर्डिंग और यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को। ये सारी जो स्टूल्स हैं ये सारे यहाँ पे लगा दिए जाते हैं जिससे बच्चे आराम से बैठ जाएं। और ये है हमारा पूजा मंदिर। तो मैं एक आराम से एक अच्छे से एक बार पूजा रूम आपको दिखाने वाली हूँ, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इसको मैं होम टूर तो नहीं कह रही हूँ, पर मैंने सोचा थोड़ा बहुत तो यहाँ पे दिखा देना चाहिए। तो इसका एक अच्छे से मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी जब मेरे भाई यहाँ पे होंगे, अभी तो वो ऑफिस गए हुए हैं। तो जब वो होंगे तो पक्का मैं आपको एक अच्छे से वीडियो दिखाने वाली हूँ। मम्मी आपको वीडियो में आने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों नहीं आती हो आप? लोग सब लोग अमरूद खाए, हम भी खा रहे हैं। नहीं तो कुछ अच्छा खिलाओ ना, अमरूद खिलाएंगे। तो ये मम्मी का पूरा सेटअप है पूरा गार्डन का। तो ये सारा गार्डन मम्मी ने ही बनाया है, मतलब इन नींबू लग रहा है छोटे से पेड़ पे, कितना सुंदर लग रहा है। ओ और भी कोई नींबू के अलावा आपने फ्रूट्स लगाए? हाँ नारंगी लगी हुई है देखो, और ये शायद ये वाला कौन सा है? ये चीकू है। ओ उसमें देखो छोटा छोटा चीकू, इतने छोटे वाले प्लांट पे मतलब आ जाता है पॉट में? हाँ आ जाता है, नहीं आएगा। और मम्मी आपने कैसी डाई करी है यहाँ पर कि पूरी दिख रही है यहाँ से? तो यहाँ पर मम्मी और मेरे में हो चुकी है फाइट, बिकॉज मम्मी कह रही है कि तुम मेरे सारे प्लांट्स नहीं दिखा रही हो। तो प्लीज कमेंट करना अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने के लिए, तभी मैं उसके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगी, और नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में कभी देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना ऑफिस का काम, तो ठंड की वजह से ज्यादा मैं अपनी टेबल चेयर पे नहीं बैठ पा रही हूँ, तो यहाँ पर अपने आराम से ब्लैंकेट में कर रही हूँ वर्क फ्रॉम होम। तो दिसंबर में हमारे ऑफिस में खेला गया था सीक्रेट सेंटा, तो उसी का गिफ्ट अभी मैं देख रही हूँ, बिकॉज अभी मैं आ गई हूँ मेरठ में, तो मेरठ में ही डिलीवर हुआ था। तो चलो देखते हैं क्या आया है। अच्छा तो ये आया है मैनीक्योर पेडीक्योर किट। तो ये गिफ्ट मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत यूज़फुल भी है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर पार्लर में नहीं जाते जा पाते बिकॉज ऑफ वर्क और ट्रैवलिंग। तो अगर कभी टाइम नहीं है तो इसको घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, देन इट्स अ गुड 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 गिफ्ट। तो यहाँ पर मैं और भाभी खा रहे हैं मूँगफली। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने गर्म गर्म मूँगफली अभी मंगवाई हुई थी, और साथ में हम देख रहे हैं सो फ्रीकिंग चीप, एक एक तरीके का एक सीरीज है TLC पे आता है। तो यहाँ पर हम मूंगफली खाते खाते इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे और भाभी को देख के मम्मी डैडी और भैया भी मूंगफली खाना स्टार्ट कर दिए थे। तो भैया आप बताओ सबसे ज्यादा विंटर की स्पेशलिटी? मूंगफली। तो मम्मी आप डैडी को दिखा के मूंगफली क्यों बोल रही हो? अलीगढ़ क्या है? बरूले। हाँ अलीगढ़ के बरूले। अरे एक दिन तो बरूले बनाएंगे। अरे यार हाँ उसकी रेसिपी भी हम बताएंगे। तो रात में हमारा प्लान हो गया है थोड़ा सा बाहर डिनर करने का ठंड में, तो हम जा रहे हैं पंडित ढाबा। तो जिसको भी पंडित ढाबे के बारे में नहीं पता है तो मैं उसको बता देती हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द फेमस ढाबा इन मेरठ। तो ये पड़ता है NH 58 हाईवे पर। तो जिसको भी मतलब अच्छा खाना खाना है और देसी खाना खाना है यूपी का, तो पंडित ढाबा इज द बेस्ट प्लेस।
तो पंडित ढाबा पे जनरली बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वीकेंड्स पर आज पता नहीं वीकडेज में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो थोड़ा हमें वेट करना पड़ा। तो शुरू में हमने स्टार्ट किया खाना फ्रेंच फ्राइज से, तो एक्चुअली कोई और खा रहा था, उसको देख के हमें भी मन आ गया खाने के लिए, तो हमने वो ऑर्डर किया। और फिर हमने डिनर में शाही पनीर, दाल तड़का, नान और आलू पराठा ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ पे प्लास्टिक की प्लेट, जो कि बहुत ज़्यादा हाइजीनिक लगी मुझे, मतलब इसमें खाओ और उसको थ्रो कर दो, तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी लगी। विंटर में धोने का भी झंझट नहीं है। और लास्ट में हमने पी गर्मा गर्म चाय, जो कि कुल्लड़ में थी, जिसे पी के बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था। और बस निकलते निकलते मम्मी को ये गजक दिख गई थी, तो मम्मी ने फिर गजक भी ले ली थी। तो सर्दियों के यही मज़े हैं, गजक खाओ, मूंगफली खाओ। चंदन अच्छी है? हाँ ये चंदन अच्छी है। कैसे पता? ये स्टिक है ना, इंसेंस स्टिक, खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इंसेंस स्टिक बहुत अच्छी। दीज आर नेचुरल इंसेंस स्टिक्स। और ये भी है खस वाली, कैसी है? यहाँ पर हमने ले ली है गजक, तो यहाँ पे रामचंद्र की गजक मिल रही थी, तो हमने सोचा इसको भी ले लिया जाए। और ये बहुत ही फेमस है यार, ये वाली ना बहुत ज्यादा। तो ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। तो आज के दिन पड़ रही है बहुत ज़्यादा ठंड, आप देख सकते हो कि पूरा अभी तक धूप भी नहीं निकली है, 12 बज चुके हैं। मम्मी आप क्या बना रही हो? समोसे, गरम गरम समोसे सर्दियों में, मजे आ गए। और ये क्या है? ये अच्छा अच्छा ये तो मक्खन से, वाह 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 मजे आ गए। मम्मी सबको हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दो राघव सिस्टर्स के बिहाफ पर। सबको नए साल की मुबारकबाद। तो ये सारा कलेक्शन है फ्रिज मैग्नेट्स का, तो हम लोग जहाँ पे भी ट्रैवल करते हैं वहाँ से एक फ्रिज मैग्नेट तो जरूर लाते हैं। कुछ यहाँ से छूट गई है उसको भी लगाना है, और कुछ मैं जर्मनी और स्विट्जरलैंड से लाई थी उसको भी लगाना है, तो उसको सारों को मैं आज पेस्ट कर दूंगी। तो ये यहाँ पर तो मैं हो गई हूँ नहा के रेडी। आज मैं थोड़ी सी लेट नहाई थी बिकॉज मैंने सर में लगाई थी मेहंदी। और यहाँ पर मम्मी आप क्या कर रही हो? मैं बेटा स्वेटर बना रही हूँ। किसके लिए बना रही हो? प्रिंसी के लिए, क्योंकि प्रिंसी को बहुत पसंद है मेरे हाथ के स्वेटर बने हुए। तोशी को नहीं पसंद? हाँ तोशी को भी पसंद है, पर अभी मैं फिलहाल तेरा बना रही हूँ। तो ये बोलो ना मैं आपकी फेवरेट हूँ। हाँ मेरी फेवरेट है, पर वो भी मेरी फेवरेट है। पता चलेगा ना तोशी को, नहीं तो फिर। और भैया, भैया का तो नामो निशान ही नहीं है। अब भैया बड़ा हो गया तो हम छोटे हैं। अभी मेरे लिए तो छोटे हो। तो ये हो चुका है इवनिंग का टाइम, और इवनिंग के टाइम में बन गई है गर्मा गर्म चाय, तो उसके साथ में मैं खा रही हूँ मठरी भी। ये आज क्या बना था? हाँ समोसे बने थे, उसकी कुछ मैदा बच गई थी तो मम्मी ने उसके नमकीन मठरी बना दी थी। तो ये है मम्मी का जुगाड़ कि अगर कुछ बच रहा है तो उसको फेंकना नहीं है, उसको कहीं ना कहीं लगा देना है। और आज मैं एक कुछ काम कर रही थी और मुझे ये सारे प्राइज दिखे, और इसे देख के मुझे अपने स्कूल की याद आ गई, और लगा कि ये हमें पहले इन सब चीज़ों की कीमत नहीं होती थी, पर अब देखते हैं तो ये सच में एक मेमोरीज है जो सच में उस टाइम की याद दिलाती है। तो मे भी सब लोगों ने 2022 में कुछ ना कुछ सीखा होगा और उसको लेके चल रहे होंगे कि हमें 2023 में मतलब वो हमारे लिए एज अ इम्प्रूवमेंट है। तो मेरे लिए 2022 में एक चीज़ थी कि मैं मतलब जो व्लॉगिंग है उसके लिए मेरा परसेप्शन बहुत डिफरेंट था। मुझे लगता था ये बहुत ईजी है, इसमें क्या करना है, कैमरा उठाओ, रिकॉर्ड करो, बोलो एंड दैट्स इट। और मतलब इसमें मैं देख रही थी कि कोरोना के बाद मतलब इतना मतलब ये फील इतना एक्सप्लोर किया है लोगों ने, और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा फेमस भी हुए हैं, मतलब उन्होंने अपनी मतलब सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ व्लॉगिंग करी है। मतलब तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि इस चीज़ को सीखना कि मतलब क्या ये इजी है, डिफिकल्ट है, या फिर मतलब इसका मतलब मुझे इतना पता नहीं था। बट आई गेस आफ्टर डूइंग इट बाय माय सेल्फ मैंने एक चीज़ सीखी है कि भाई बिल्कुल भी इजी नहीं है, सच में इसमें टाइम लगता है। और जो डेली व्लॉग करते हैं उनके लिए तो ये सच में बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आपको क्या बोलना है, आपका उस वीडियो का क्या क्या कॉन्टेंट है, क्या रिकॉर्ड करना है। एंड जो लोग डेली व्लॉग करते हैं गाइज मैं बता नहीं सकती कि वो कितना डिफिकल्ट है, और मेरे लिए तो वो इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर सकती बिकॉज डेली व्लॉगिंग इट्स रियली अ टफ जॉब। सो आई गेस नाउ आई हैव अ मोर रिस्पेक्ट फॉर द व्लॉगर्स एंड या सो बस यही चीज़ मैंने 2022 में सीखी थी, और यही मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर भी कर दूँ।
यहाँ पर मम्मी ले आई है अमरूद और साथ में उसका मसाला और मूंगफली। तो मुझे लगता है ये तो हमारा शाम का रूटीन हो ही चुका है और यहाँ पर वो खुद अपनी चाय एंजॉय कर रही है। हम लोगों ने पहली पी ली थी, मम्मी ने नहीं पी थी। तो यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। तो आज का जो एंड करेंगी वो मम्मी करेंगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नहीं, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।